स्टार्टिंग हमने ब्लॉकिंग किया था, ये ब्लॉकिंग हुआ हमारे यहाँ पे ठीक है। उसका सेकंड लेवल हम लोगों ने थोड़ा डिटेल दिया, उसका थर्ड लेवल हमने थोड़ा लाइक प्लेसमेंट और बाकी सब कुछ मैनेज किया हमें ठीक है। अभी हम लोगों को करना क्या है, चलते हैं हम लोग यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं। मेरे को सीए किया जैसे देखो यहाँ पे सामने से सा सही लग रहा है, लेकिन नेक वाले पार्ट पर हम लोग देखें नेक वाला पार्ट कैसे है, ये मसल साइज से आती है ठीक है। ये मसल साइज आएंगे तो देन हमें उन चीज़ों को थोड़ा देखना पड़ेगा भाई चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ कल तो ले लेता हूँ यहाँ पे ठीक है, और देन स्ट्राइप जो मसल्स आपके पास यहाँ पर होगा ठीक है, ये आपका पार्ट होगा लेकिन सोलह में कर देता है ठीक है। ऑल डन क्लिक किया ठीक है, ये पार्ट आपके पास ऐसा होता है क्या ठीक है। ये चीज़ हम लोग यहाँ पे ऐसे करते हैं स्विफ्ट डी स्विफ्ट डी क्लियर कर दिया मैंने यहाँ पे पहले विंडो से यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा लेकिन मैंने मैनेज कर दिया ठीक है। ये चीज़ मैं देखो मैं थोड़ा सा रेफरेंस को ऑब्जर्व करते चलूँगा ना, तो रेफरेंस कैसे दिख रहा है, रेफरेंस है मेरे पास, मैं रेफरेंस का मैंने एक जो फोल्डर मैंने रख रखा है यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे उसको रेफरेंस के फोल्डर है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो यहाँ पे जो स्टैचू है उनका मैंने थोड़ा सा रेफरेंस निकाला है यहाँ पे ठीक है। हर अलग अलग एंगल से देखो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये जो शेप्स हैं अभी ये शेप्स आप यहाँ से देखो ये आपको दिखेगा, यहाँ पे आपको जो पार्ट आ रहा है यहाँ पे ठीक है, फिर मसल्स आपको यहाँ पे आएगा देन ठीक है। यहाँ से मैं शेप्स को तो मैं मैनेज करूँगा फिर ठीक है, ये पार्ट में यहाँ पे ऐसा कुछ आया ठीक, और देन यहाँ का जो पार्ट है साइड के पार्ट आपका इसको ठीक है रिप्रेस करो आप यहाँ पे देन हल्का सा कल भी करते चलो आप यहाँ पे और कुछ पार्ट आप मैनेज करते चलो ठीक है। ये जो पार्ट ये निकला हुआ है ठीक है, यहाँ पे जैसे आप दिखाओगे यहाँ पे ये पार्ट आपका सो होगा ठीक है। ऐसा कुछ पार्ट यहाँ पे निकला हुआ दिखता है, और स्मूथ का लेवल थोड़ा कम करना, 100 होगा तो देखो बहुत ज़्यादा कट नहीं दिखाएगा, जैसे स्टेप्स का यहाँ पे देख लिया ठीक है। एक चीज़ और मुझे ऐसा लगा था कि वो जो स्टैचू का जो नेक मार्शल का जो नेक है वो थोड़ा ऊपर जैसा लगा है, ये पॉसिबल हो सकता है कि लाइक अगर मैं कहूँ यहाँ पे तो थोड़ा सा लाइक आप ऊपर भी रखूँ ठीक है, तो मैं थोड़ा सा उसको भी थोड़ा सा मैं मैनेज करूँगा यहाँ पे ठीक है। देन ये वाला पार्ट है मेरे पास यहाँ पे तो मैं यहाँ से थोड़ा सा ठीक है, ऐसा कुछ पार्ट यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज करने की कोशिश करूँगा, थोड़ा ऐसा कुछ पार्ट रहते हैं ओके, ऐसा कुछ स्कल्प करने के बाद डी एक लेवल और बढ़ाया मैंने यहाँ पे, जितना लेवल बढ़ा उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा मैनेजर स्मूथ करना पड़ेगा यहाँ पे। ये जो मसल्स है आपको बस ये कुछ इस टाइप से अपने ठीक है, अलग से मैंने नेक वाला पार्ट में थोड़ा सा मैंने हाईलाइट कर दिया, इतना पार्ट में यहाँ पे देख लिया ठीक है। स्विफ्ट एंड भी कम करना देन थोड़ा सा स्मूथ कर तो चीज़ थोड़ा मैनेज दिखेगा आपका यहाँ पे ठीक है। हल्का सा ये ब्लेंड भी कर देना अगर बहुत ही हार्ड नहीं ठीक है, मतलब तो मैंने ब्लेंड किया है ऐसा चेंज करने के लिए आप ठीक है, ब्लेंड करते करते मैं तो सब मैनेज कर देना अगर सॉरी ये सेप मैं यहाँ पे तो देखा तो थोड़ा सा चीज़ पर थोड़ा सा मैं मैनेज करने वाला हूँ, यहाँ पे गया मूव टूल पे गए यहाँ पे सेप को सेट किया मैंने यहाँ पे हल्का सा लग रहा है यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ को मुझे मैनेज करना है चीज़ मैं यहाँ पे थोड़ा मैनेज कर दूँगा ठीक है। ऐसा कुछ पार्ट सिर्फ प्रेस किया मैंने अभी तो लाइक जितना चीज पॉसिबल हो उसमें उसके अकॉर्डिंग चीज को मैनेज कर सकते हैं ठीक है। ओके ये सेफ में हल्का सा थोड़ा सा ब्राइट कर सकते हैं, हल्का सा ब्लेंड किया मैंने अभी तो चीज़ को लेकिन ऐसे करके मैनेज कर सकता हूँ। अभी मैं यहाँ पे देखता हूँ और एफ एस एस देखता है कि यहाँ पे जो लेग वाला पार्ट है थोड़ा सा मैं ऊपर कर सकता हूँ ठीक है, और ये ऊपर पार्ट थोड़ा सा ऐसा है प्लस में पास है यहाँ पे मस्कुलर कैरेक्टर जैसे मैंने लाइक थोड़ा बनाने की कोशिश की यहाँ पे यहाँ पे लाइक फेस है वो पूरा कवर्ड है और लाइक यहाँ पे कोई मसल ज़्यादा विजुअल नहीं है तो हम लोग थोड़ा सा लाइक कवर करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे स्विफ्ट डी जो जॉलाइन है जॉलाइन में थोड़ा सा यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ फ्रंट पर कोई एक शेप लो ठीक है, ये भी लाइक यहाँ पे कुछ ना देखो मूव टू लिया मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ को थोड़ा मैनेज किया है ये पार्ट उनको सल्का सा बाहर है ठीक है, लेकिन साथ ही जो जॉलाइन है ना वो भी कुछ इस टाइप से निकल गई है अंदर तक जा रहा है इसके ठीक है, ये पार्ट मुझे थोड़ा बाहर में निकाल रहा है
स्लाइटली हल्का सा आपके यहाँ पे चाहिए थोड़ा बाहर कर देना है, रीप्रेस करो ऐसे करके देखो यहाँ पे, देन इन चीज़ों को थोड़ा मैनेज करो, एक फ्रेंड करो यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पर चीज को थोड़ा सा ऑब्जर्व कर रहा हूँ, शेप्स कैसे देख रहे हैं ये शेप में, बस यहाँ पर ऐसे कुछ है, देन यहाँ थोड़ा शेप्स को थोड़ा सा लाइक स्लाइटली हल्का सा ये पार्ट यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। चिन वाला पार्ट है, चिन वाले पार्ट को भी मैं थोड़ा अंदर करता हूँ, ये शेप में बस ऐसे कुछ शेप पार्ट रिलेटेड, बट मुझे यहाँ पर थोड़ा मुझे मैनेज करना है, ये भी चीज़ सबको ध्यान है, कोई भी शेप में बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकला हुआ तो है ना हार्ड लगेगा। यहाँ पर मैं ऐसा कुछ सेट किया, ठीक है, ऐसा कुछ पार्ट में यहाँ पर ऐड ऑन कर रहा हूँ, चेस्ट वाले पार्ट में यहाँ पर देखें थोड़ा सा लेके जो पार्ट है क्लियर लग गया मैंने शिफ्ट भी थोड़ा सा मैंने उसको लो लेवल ले जाता हूँ, यहाँ पर कुछ देखिए कुछ ऐसा कुछ दिखाता हूँ थोड़ा सा इसे कवर करता हूँ, 10-20 बहुत है, 10 टेबल सब काम करता तो 1 इंच से लेकर ना, ठीक है। मुझे थोड़ा सा ब्लेंड भी करना है, तो ये थोड़ा सा ब्लेंड करने के साथ साथ मुझे कुछ देखना है कि चीज़ हमेशा पर कवर हो जाएगी, अगर सा एंगल आप टर्न पे भी देख लेना चाहते कि कहीं पर कोई ऐसी चीज़, ठीक है। क्लिक किया मैंने यहाँ पे, ये पार्ट मैंने ऐसे ब्लेंड किया है, ब्लेंड दिखना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये आपको कॉलर बोन है, ये कॉलर बोन आपको देखना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा बेंड किया है, स्ट्रेट दिया हुआ है, ठीक है, मैं इसे स्टेप कर सकता हूँ, तो स्टेप करने के लिए यहाँ पे मैंने क्या किया, लेकिन जो ज़्यादा मस्कुलर होते हैं उनके थोड़ा सा बैंड होता है, लेकिन ये मसल्स ऐसे निकलते हैं, मसल्स में थोड़ा सा अभी निकाल लेते हैं, ठीक है, तो ये पार्ट में हल्का सा मैनेज कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। ये शेप से मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, स्टैंडर्ड पे गए, साइज को मैं थोड़ा सा कम किया, स्टैंड को मैंने कम किया यहाँ पे, साइज को तो ऐसे में करके मैं मैनेज कर लेता हूँ, ठीक है। हल्का हल्का लिटिल बिट आप यहाँ पे एक एक स्ट्रोक साथ यहाँ पे नेगेटिव स्कल्पिंग कर सकते हैं, अभी हमने ऐसे किया, अभी मुझे यहाँ पे क्या करना, मुझे नेक वाले पार्ट को मुझे थोड़ा सा अप करना है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट यहाँ ले चुका हूँ, ये लास्ट टाइम लेस को किसने बताया था ना, अगर मैं ऐसे करके मैं अगर मैं मैनेज करता आपके, ठीक है, तो ये ये यहाँ से आते मैंने क्या किया, अभी मैं यहाँ पर कोई चीज़ को मैं मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है, तो लाइक ज़्यादा ही हैवी हो जाएगा, स्मूथ करें, लेकिन ज़्यादा स्मूथ करेंगे तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, एक मिनट, ये जो हमने यहाँ पर सेट किया है, ठीक है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया कंट्रोल एंड क्लिक, यहाँ से मैं रोटेशन देता हूँ, अभी यहाँ से मैं रोटेशन दे रहा था, और से मैंने यहाँ पर चेंज किया, मैंने कुछ स्टेप लिखे नहीं, स्मूथ और मास्क करने में थोड़ा सा एडवांटेज डिसएडवांटेज यहाँ पे क्या होता कि मैं अगर लो पे में काम करता यहाँ पे तो मेरे लिए यहाँ पे बैठे होते हैं, मैनेज करना आसान रहता है, क्योंकि ये सिर्फ मैंने यहाँ पे मैंने आगे से मैंने मैनेज किया, मास्क को स्मूथ किया जा सकता है, जैसे अभी मैं मास्क के साथ करता हूँ तो मेरे को कहीं ना कहीं ड्रॉबैक दिखते हैं क्या मुझे यहाँ पर, अभी मैंने यहाँ पे लो पे किया तो लो पे मैं कुछ को मैनेज कर देता हूँ, जैसे ये मैं सेट किया यहाँ पे, ये पार्ट मैंने ऐसे कुछ किया, ठीक है, तो ये से भी मुझे थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट करना पड़ जाएगा, मूव किया मैंने यहाँ पे, और देन ये पार्ट थोड़ा सा मुझे ये पार्ट एडजस्ट करना पड़ेगा, ये देखो अभी अगर मैं इसका देखता हूँ थोड़ा सा मुझे लगता है ये पार्ट थोड़ा सा मैनेज हो जाएगा, थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ, थोड़ा सा मैं देख लें, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मेरा दोस्त यहाँ पे सेव लिया था, देन ये सेव पर वैसे ये सेव अगर मैं कहूँ यहाँ पे ये पार्ट यहाँ पे जाएगा, क्योंकि ये सेव पर थोड़ा यहाँ पे मैनेज किया, ये सेव आप कैसे है, ठीक है, जस्ट क्लिक कैसे कुछ कर सकते हो, देन यहाँ से थोड़ा सा आपको बैक वाले पार्ट ये कैसे मैनेज करोगे, ये पार्ट यहाँ से ये पार्ट थोड़ा सा कवर मेंटेन करने के लिए यहाँ पे शुरू में मैनेज कर लेता है, ये पार्ट होता है मुझे यहाँ से मैनेज करना पड़ जाएगा, ठीक है, तो आपसे जाओ ये जो पार्ट आपके पास यहाँ पे ये पार्ट यहाँ पे ये पार्ट आपके यहाँ पे ये थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे हमारे पास ये हेयर से कवर हो जाए तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप दे सकते हो,
ठीक है, अगर मेरे सेफ मेरे पास ऐसा कुछ जाएगा, ये सेफ मेरे पास ऐसा कुछ जाना है, तो मैं बोलता मैं मैनेज करके यहाँ पर दिखा सकता हूँ, मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला पार्ट यहाँ से पार्ट है, पार्ट ऑफ मुझे ऐसा कुछ सजेस्ट करना है तो मैं ऐसा कुछ सजेस्ट कर सकता हूँ। ये पार्ट में कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर सकता हूँ, रिप्रेस करो, एक डिजन जब बढ़ाओगे तो वो चीज़ उसे बैठे देखेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको जो मसल्स आपने यहाँ अंदर बैंड देना चाहो, ये अंदर बैंड दे सकते हैं, यहाँ से सीधे दिखे ये जो पार्ट है, कर देते हैं कल आपने थोड़ा सा मैनेज करेंगे, तो आप मैनेज करेंगे तो थोड़ा सा बेटर दिखेगा। ये मैंने थोड़ा सा ज़्यादा मस्कुलर मैंने बनाने की कोशिश की है, ये आपको थोड़ा मस्कुलर होता था ये पार्ट होगा। ठीक है, और यहाँ से मैंने थोड़ा सा नेक वाला पार्ट भी जो कल किया हमने, अगर चलो ऐसा कुछ पार्ट होगा तो कैसे मैनेज कर सकते हैं। अरे ठीक है, तो क्या ठीक है करते हैं हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है कैसे क्या क्या होता है, मैंने अरेंज किया तो मैं सबको थोड़ा सा अरेंज करने को मुझे यहाँ पे सबको मैनेज करना पड़ जाएगा। ठीक है, ये मेरे स्मूथ टूल है, स्मूथ टूल है, मैंने आपके यहाँ से थोड़ा सा जितनी चीज़ों को आप देखें समझने की लाने की वो चीज़ लोग थोड़ा फिटिंग कर सकते हैं, और काफ़ी चीज़ें मेरे पास यहाँ पे मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो ठीक है, अभी नेक्स्ट वाला पार्ट से यहाँ पे देखने के लिए ये पार्ट में सबसे है। ठीक है, तो मैंने ऐसा कुछ यहाँ पे रिटर्न करने की कोशिश की। ओके, अभी यहाँ पर देखो साइड वाले पार्ट में यहाँ पर मैंने जाइगोमेटिक बोन बनाया था, लेकिन जाइगोमेटिक बोन यहाँ पर ज़्यादा विजुअल नहीं है, अगर देखोगे यहाँ पे तो यहाँ पे ज़्यादा विजुअल नहीं है, मैथमेटिकल चाहिए ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे मैं चीज़ को मैनेज करूँगा अभी तो लेकिन वो पार्ट बहुत ही हाईलाइटिंग नहीं है। ठीक है, अभी ये सेफ आपका ऐसा कुछ आ रहा है तो ऑल्टर क्लिक किया मैंने, तो मैं यहाँ पर सोचता मैं मैनेज करने की कोशिश करूँगा, ये सेफ का कुछ ज़्यादा कुछ विजुअल नहीं है, तो ब्लेंड है। ठीक है, तो उसमें ब्लैंड कर रहा है जो क्या जिन से ध्यान रखना स्मूथ लेवल मैनेजमेंट करना है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मुझे अभी मेरे आइज इसमें बहुत ज़्यादा विजुअल नहीं है, अगर मेरे को आइज मेरे पास ज़्यादा विजुअल नहीं देते थे तो जैसे ही हल्का फुल्का अगर विजुअल है तो चाहूँ तो मैं उसको थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ, मैनेज करना चाहता हूँ। ठीक है, पहले हम लोग थोड़ा सा प्रोपोर्शन में देते थे, फिर प्रॉपर भरा हुआ मिल रहा है, मतलब ये पार्ट में अगर यहाँ पे मैं कहूँ ये पार्ट थोड़ा सा मेरे पास ये कुछ इस टाइप से टेंथ मैंने काम किया, रिजन स्विफ्ट डी ही हाथ मैंने पता चीज़ का मैंने बताया ऐसे कर दिया था हमारा वर्क। ठीक है, तो वो चीज़ मेरे पास एक बहुत ही ये ऐसा कुछ यहाँ पे क्या दो सौ पार्ट वर्क था मुझे निकला था यहाँ पर दो सौ चीज़ को कवर कर रहा था। ठीक है, फोकस किया मैंने यहाँ पे जाने यहाँ पे चाहिए तो सर अभी वो थोड़ा सा राउंडनेस देने की कोशिश की मैंने यहाँ पे। ठीक है, ऐसा कुछ करके मैं मैनेज कर सकते हैं अभी। ओके, अभी मुझे यहाँ पे नेक में ज़्यादा चेंज नहीं देना, और यहाँ पर अलग सा कुछ स्पर्श है तो नेक में तो फैल गया, देखिए स्टैंडर्ड लिया हमने यहाँ पर। ठीक है, ये से पहले अगर सब कर देना ये कर मैं दे रहा हूँ ऊपर से इसका क्या मेरे पास जो हेयर का पार्ट उसे मैं तो उसमें मैनेज कर दूँगा, ये हेयर मेरे पास यहाँ पे आगे से कवर्ड है।
पे जो है देन ये पार्ट नहीं आ सकता, ये बस सेक्स पे काम करेंगे हम। ठीक है, अभी मैंने हेयर को किया तो हेयर पर मुझे ये पार्ट जो दिखा है मुझे ये पार्ट एक तरह से कवर करना है। ठीक है, यहाँ से अगर मैं देखें तो बस यहाँ पे छोड़िए, ये पार्ट को ठीक है शेप्स को मैं तो सेंस करके लेके दिखा सकता हूँ। ये पार्ट यहाँ पे दिखता है, यहाँ पे मैं तो सारा यहाँ से निकाल ठीक है शेप्स को मैं भी ले रहा हूँ। ठीक है स्टैंडर्ड भी गया ऐसे मैं निगेटिव करके तो अपना सा लेकिन स्टैंड बढ़ा देता हूँ। ठीक है ये सेट में तो यहाँ पे दे रहा हूँ, क्योंकि ये सेट मैं यहाँ से कुछ दिखा रहा हूँ जैसे कुछ पार्ट आ रहा है यहाँ से मैंने थोड़ा सा निगेटिव स्कैल्पिंग किया है। ठीक है हम सब ये सेट यहाँ पर भी थोड़ा सा चेता मैंने यहाँ से थोड़ा सा सेट स्टार्ट कर दिया है। ठीक है कुछ कुछ पार्ट्स मैं ऐसे दे सकता हूँ, कुछ कुछ लाइक अलग अलग टाइप से मैं चीज़ों को मैं निकाल सकता हूँ। अलग सेट कर कुछ है यहाँ पर जस्ट जस्ट यहाँ पर थोड़ा मैं ब्लॉकिंग वाले कुछ चीज़ों को मैं मैनेज करा यहाँ पे सिर्फ मैं बस यहाँ कर रहा है। ठीक है अगर मैं यहाँ स्विच करता हूँ अगर एक ही चीज़ पर मैं काम करता हूँ तो धीमे धीमे चीज़ें काफ़ी बढ़ेंगी। अगर लाइक मैंने जब हम लोग किसी चीज़ को मिलाएंगे ना तो हम भी चीज़ें देखेंगे ऐसे कुछ पार्ट हैं। ठीक है और ऐसे में लाइक मैं अंदर साइज स्केल कर दिया सॉरी स्केल कर रहा है। तो कुछ कुछ चीज़ें मैं ऐसा कुछ मैं मैनेज कर सकता हूँ थोड़ा सा बताऊँ यहाँ पे। ठीक है यहाँ पर मुझे करना है तो मैं थोड़ा सा क्लिक किया एक्स ऑनलाइन वेबर यहाँ पे लोकल लोकल से बैठे ठीक है ऐसे वेब में थोड़ा सा मैनेज कर सकता हूँ। मैं छोटी छोटी चीज़ को मैं अभी ऐड करता है अभी तो इसमें जितना मैं चीज़ों को मैं ऐड करने वाला हूँ उतना मेरे पास टाइम लगेगा और देन टाइम भी उसी मेरे पास शॉर्टेज है। ठीक है अभी मुझे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट पहले फोटो कर लेता हूँ फिर इसका मैं और चीज़ को मैं कवर कर सकता हूँ कैसे क्या चीज़ कर सकता हूँ। ठीक है अभी जैसे यहाँ पर ये स्पार्कलर पॉइंट यहाँ से सीधे बन रहे हैं अभी मैं यहाँ पर सब करता हूँ अभी यहाँ पर सीखता हूँ। ठीक है तो मैंने यहाँ पर देखे ये हमने बहुत सारा लाइक रिलिस्टिक करेक्टर जैसे ही हमने पास डील किया एक सिंपल था लाइक एक लाइन मैं अप्रेस अभी ये प्रॉपर एक चीज़ जो जो दिख रही है मैं जी हुआ ऐसे कुछ मैं मैनेज कर सकता हूँ इसे कपड़ा सारा कुछ कर सकते हैं। ऐसे कुछ मैं दिखा सकता हूँ मेरे पास जो पूरा पार्ट है नोज पे जो मैंने तो थोड़ा सा डिटेलिंग है हमारे पास यहाँ पे हल्का सा ब्लेंड किया मैंने यहाँ पे डीप प्रेस किया मैंने यहाँ पे धीमे धीमे चीज़ को थोड़ा सा ऑब्जर्व करने तो चाहिए थोड़ा सा फिर ठीक है मुझे अभी लगता है कि तो से स्मार्ट प्रोग्राम तो थोड़ा और मैनेज करना चाहे तो कर सकता है साइज यहाँ से यहाँ पर ऐसा कुछ किया जा सकता है। ओके अभी वो एक मैटर ऑफ सेव हो जाएगी अगर मैं इन दोनों को लेके जाता हूँ फोटोशॉप में फोटोशॉप में जाकर मैं इसका अलाइनमेंट मैच करूँ क्योंकि कहाँ पर मुझे कितना काम करना है लाइक मेरे पास नोज है नोज मेरे पास कितना दिख रहा है। ठीक है लाइक मैं फोर एट फोर मेरे कोई हल्दी से क्लाइंट यूज हो जाए आपके पास यहाँ पे तो स्टैंडर्स में अगर यहाँ पर थोड़ा सा मैं चीज़ को ले लूँगा मैं भी है लेकिन थोड़ा सा था वैसे मैंने थोड़ा सा थोड़ा सा बढ़ा दिया। ठीक है ये तो होता है आपके दूसरे लोग हैं लाइक आप यहाँ पे लोगों को तो देन बेसिक बेसिक से आपका इधर इधर से मैनेज होता है। ठीक है यहाँ पे मैंने एक ग्राफ सेट कर दिया है। ठीक है डिवीजन ठीक है यहाँ पे मैंने सेव सेट किया मुझे अभी तो और लाइक हल्दी से मैं ग्राफिक को तो मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे
ठीक है, हमने तो सर रेफरेंस देखा, रेफरेंस में हम लिखते भी हैं, नोट्स हमने यहाँ पर तो सर जो दिया है नोट्स जो पार्ट है वो पार्ट मुझे तो सर स्टेप करके निकालना पड़ेगा। तो जब भी मैं मुझे कोई ऐसा एडजस्टमेंट करना है तो मैं भी क्या करने वाला हूँ, इन चीज़ों को मैं थोड़ा लाइक मैनेज करूँगी। ये देखो ये एक लाइन पे जाना चाहिए, क्या ये एक लाइन पे कब जाएगा, जब मैं इसे ऐसे देखूँ। ठीक है, यहाँ से तो मैंने ये भी किया कि ये पार्ट तो मुझे मिलाना पड़ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ से हल्का सा उठा नजर आ रहा था, यहाँ पर साफ भी करना है ये पार्ट में कैसे है, ये जो लाइनें हैं ये प्रेस कर लें यहाँ पे फोकस। ठीक है, यहाँ से भी देखिएगा और यहाँ से भी प्रेस, तो ऐसे लाइक ये से फोकस यहाँ पर आ गया। ठीक है, रोज वाला पार्ट होगा सर यहाँ पर आपके यहाँ पे तो ये भी हो सकता है, ये भी कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये कुछ चीक्स वाला पार्ट यहाँ पर आइज वाले को डेप्थ ज़्यादा है, आइज वाले को डेप्थ ज़्यादा है, तो मैं अभी क्या करता हूँ स्टैंडर्ड लिया मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड ब्रश, और मैंने यहाँ पर कैसे थोड़ा सा साइज बड़ा करके यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद चीक्स वाले पार्ट में यहाँ पे थोड़ा सा डेप्थ देते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं मुझे तो सिर्फ ये फ्लैट लग रहा है, तो मैं फिर क्या करता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे चीज को मैनेज कर लूँगा। ठीक है, ये जो पार्ट है ये पूरा लाइक यहाँ पर जो दे रखा है ना यहाँ पर पूरा गोल सा जाएगा। ये पूरा गोल सा देखते हैं, लाइक ये जो साइड से देखा है साइड से कर्व है यहाँ पे, ये ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है कि जब आप विधान रेफरेंस से आप काम कर रहे हो तो आपको चीजों को मैच करने के लिए हर एंगल में देख के काम करना पड़ेगा। फिर मेरे पास एक ऐसा है, ठीक है, मुझे क्या काम करना है, और ये सिर्फ मैं यहाँ से यहाँ तक गया हूँ। ठीक है, ये देखना एक बार एकदम बहुत ज़्यादा ऐसा में हो जाए, यहाँ से यहाँ सिर्फ को कर सकते हैं। ओके, ये सिर्फ मैंने अभी सेट किया है। ठीक है, यहाँ पर भी देखते हैं मुझे आपको साइज छोटे करके आगे साइज छोटे करके मैंने आते हैं, एंड देन यहाँ से आपका स्विफ्ट मैंने स्मूथ फोकस किया मैंने यहाँ पे, इन चीज़ मैं कवर कर सकता हूँ। लाइक ऐसा पार्ट है जो एंगल आपको देखिएगा, देखते हैं अभी ये पार्ट देखा है साइड से, मैंने इस पार्ट को रखने की कोशिश की, अभी ये पार्ट हमारे यहाँ पे विजुअल यहाँ पे देखिए, ये पार्ट आपके पास यहाँ पे देखिए, आइस वाले पार्ट में मुझे थोड़ा सा और भी काम करना है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ठीक है, एंगल वाइज मुझे यहाँ पर थोड़ा डील करना पड़ेगा कि सिर्फ फोकस कैसे रहना है। ठीक है, यहाँ से मैं सिर्फ मैनेज कर सकता हूँ, ब्लैंक किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, ये सिर्फ मैं कुछ ठीक है, दोस्तों मैं ब्लैंक कर रहा हूँ, फिर मैं तो मुझे लगता है डेप्थ है, तो मैं तो थोड़ा सा मैनेज कर लूँगा। जो भी लगे ऐसा कुछ आप ऐसे भी आप ड्रॉ करके मैनेज कर सकते हैं, नहीं आपको फुलफिल करना है तो स्टैंडर्ड को सीख करके आप इसकी भी आप थोड़ा मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर भी हमारा जो फेस का था वो पार्ट हमने भरा गया है। ओके, साइड टेंगल हमने देखा है, साइड टेंगल से देखना है, साइड टेंगल से मैं आपको लिप्स वाला पार्ट देखता हूँ, लिप्स वाला पार्ट में देखो थोड़ा सा मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा सा गैप थोड़ा सा दिया है। चिन वाला कुछ सीधे देगा, फ्लैट जैसा देगा। ठीक है, अभी चिन में ज़्यादा कुछ नहीं है तो हम लोग यहाँ थोड़ा सा फ्लैट कर देते हैं।
ठीक है, ऐसा कुछ कर सकते हैं मेरे यहाँ पे। तो लग रहा है लेकिन एक बार देखें कि क्या करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कम इससे ज़्यादा होता है तरीके साइड में। ठीक है, यहाँ से थोड़ा चीज़ को और कवर करते हैं। जो भी काम करो डिजिटल कंप्यूटर के काम करो ताकि मुझे अगर जिसमें नहीं मिले तो ये दिक्कत नहीं। अप एंड डाउन है मेरे पास क्लिप्स, ये पार्ट में हल्का सा इधर तो भी क्या मैंने के डी में बनाया फोकस। ठीक है, अभी बेसिक से बिल्कुल है मेरे पास, सभी यहाँ पर काम कर सकते हैं और मेरे पास थोड़ा सा चीज को ऑर्गेनाइज करना है, थोड़ा मैनेज करना है। स्मूथ सा यहाँ पर यहाँ पे ऊँची हुआ था तो इसी के साथ काम करना है। तो मैंने क्या क्या खुले भी लग गया था बहुत समय पर फिर गए। ठीक है, मेरे से यहाँ पर जो चीज़ें थोड़ा कम करने के बाद सही खोल देंगे और बस क्लियर नहीं होगा। सिर्फ कोई सबको यहाँ पर हल्का सा नीचे की तरफ जा रहा था, मैंने यहाँ पे क्या किया हल्का सा स्टैंडर्ड कुछ लेकिन अलग था स्काई पर होता है। तो बारीकी में जाए तो बारीकी बहुत है, क्या बारीकी बहुत सी दिखी नहीं मुझे यहाँ पर। ठीक है, इसके हमने यहाँ पर यहाँ रखा है। मैं तो सेप्स को मैंने जो मैनेज किया वहाँ पे ये तो बहुत सा मुझे पे भी ज़्यादा नीट एंड क्लीन करना पड़ेगा कि सेप्स एक कैसा है और मैं अपने पहले बता रही हूँ इसका एक प्लान करना। थोड़ा सा निगेटिव स्कल्पिंग करके मुझे थोड़ा सा मैं मैनेज करा कि भाई जो मुझे लगता है थोड़ा सा मुझे अगर एडजस्ट करना है तो मैंने अभी देखा एडजस्ट। ये कुछ पार्ट ऐसा भी है कनेक्टिविटी भी रहेगी। लाइन है और यहाँ पर हम इस लाइन जो हमें लाइन दे रखा है ये लाइन को मुझे थोड़ा सा साइड से शिफ्ट करके निकाल देना था। जो मैं लेफ्ट पर जा रहा हूँ लेफ्ट पर नहीं जाना चाहिए, देखना है ये नेगेटिव लाइन ये वाली चाहिए था ताकि मैं सी एस से हल्का सा इधर से जाना चाहिए। ये हमें थोड़ा सा यहाँ पर ब्लेंड करना पड़ेगा डी प्रेस करता था यहाँ पर। ठीक है, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा मैं बाकी चीज़ को भी थोड़ा सा फोकस करता हूँ। छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको मैं थोड़ा सा फुलफिल कर दूँ, उसके बाद मैं आपकी बाकी चीज़ को भी मैं आता हूँ। ठीक है, लेकिन फिर थोड़ा सा हेयर को मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे हेयर भी है तो हेयर को थोड़ा सा मैं वो फुलफिल करूँ। ठीक है, यहाँ पर साइज में है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या शेप्स को मैं क्या करने वाला हूँ स्टैंडर्ड पे गया। ठीक है, सेफ्टी यहाँ पर मैंने क्या किया सबसे पहले चीज़ देखिए यहाँ पर ये नॉर्मली स्टिक सी है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा शेप्स में आपको थोड़ा सा मैनेज करना है। ठीक है, ये शेप्स आपको ऐसे ही लेना है कभी नहीं स्ट्रेट टू शेप को देखेंगे। जहाँ आप मुझे टाइम से सोते जाते हो वहाँ पर थोड़ा सा माइंड भी आपका कम ही होता है। ठीक
ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास टाइम शॉर्टेज भी है और देन उसमें पैसे भी भरना पड़ा करता हूँ। क्या कर सकते हैं यहाँ पे होपली से भी दे देता हूँ कि भाई मुझे क्या करना है। ठीक है, बेसिक सेफ का यहाँ पर मैं थोड़ा सारा लेकर कुछ मैनेज कर दूँगा, क्योंकि ये सेफ बनाने के लिए बस टेक्निक कॉल गई था, एक दो टेक्निक कॉल भी आपके पास कैसे होगा। अच्छा है, मैंने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा जहाँ पर मुझे सिमेट्रिकल में ब्रेक करना पड़ेगा, यहाँ पर सिमेट्रिकल ब्रेक करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये सेट मैंने कुछ ऐसे भी दिया, तो कैसे सेट मैं कुछ ऐसे भी देना है, ओके, और देन इस को मैं आपको ऐसे भी लेकर चलूँगा। मैं जो निगेटिव स्कल्पिंग कर रहा हूँ, निगेटिव स्कल्पिंग बहुत लेकर मैं यहाँ पर शुरू मैं मैनेज कर सकता हूँ, ये पार्ट कुछ स्टेप से, ये पार्ट कुछ स्टेप से भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, सेफ से यहाँ से मैं सेफ को कौन सा ले रहा हूँ, एक टर्न के लिए कोशिश करता था, बट सेफ मुझे ऐसे कुछ टर्न करना है। ठीक है, और देन यहाँ से मैंने यहाँ पे क्या किया, पॉजिटिव स्कल्पिंग करके भी देते हैं, तो दस मेट्रिकल हम लोग ब्रेक करेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से बीस एक में यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, इससे भी हम थोड़ा सा देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, सेम चीज़ हम लोग यहाँ से अगर मिलना चाहें तो दे सकते हैं, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसमें क्या डेप्थ थोड़ा सा क्रिएट करना चाहता हूँ, तो थोड़ा सा डेप्थ क्रिएट करता हूँ कि ऐसा कुछ पार्ट में यहाँ पर किया, ऐसा कुछ मैंने यहाँ पर लिमिट स्क्रैप कर दिया, एक रफली मैं थोड़ा सा डील कर सकते हैं कि सेफ प्रोसेस कैसे करते हैं। ठीक है, अभी इसको आप यहाँ पर अगर अगर मैनेज करने बैठ जाओ तो आपके यहाँ पे चीज़ों को आपको बनाना पड़ेगा, वैसे ऐसा कुछ है तो मैं ऐसा कुछ बना सकता हूँ। ये से मैंने कुछ ऐसे लिया, एक चीज़ ध्यान देना, इसमें कोई फ्लैट नहीं मिला, जैसे फ्लैट मतलब जैसे हम एग्जाम में एक्सप्रेस कर रहा हूँ, ये पूरा फ्लैट सा दिख रहा है, इसको तो आपको आप कर देना है। ठीक है, एक्स ऑफ मतलब कनेक्टिविटी दे देंगे, यहाँ से मैंने थोड़ा सा मैनेज कर दिया, कैसे कुछ कर सकते हैं फिर ये पार्ट में यहाँ पे जा रहा था, यहाँ पर साइज में कुछ नहीं पूछ सकता है। ठीक है, ऐसा कुछ हम लोग कर सकते हैं, अगर मैथ्स को मैं थोड़ा सा लाइक अप एंड डाउन पर मैनेज करूँ कि मैं थोड़ा सा ऐसा कुछ मिल जाएगी और संख्या को बैठे दिख जाएगा, क्योंकि बिल्कुल फ्लैट ना हो, एकदम से ऐसा ना हो कि बिल्कुल फ्लैट से ले लो, तो मैंने थोड़ा सा निगेटिव स्कल्प किया है, थोड़ा सा मैंने पॉजिटिव स्कल्प को किया, तो एक रफली यहाँ पर थोड़ा चीज को मैं मैनेज कर रहा था। ठीक है, इसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ से मगर यहाँ पर मैं मैनेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ नहीं, थोड़ा सा मैं शुरू को मैनेज करता हूँ, यहाँ से मैंने क्या किया, थोड़ा सा ये पार्ट मैंने यहाँ से ये पार्ट यहाँ पे थोड़ा सा थोड़ा मैनेज किया। ठीक है, इसके बाद मैं थोड़ा सा इस वाले पार्ट में थोड़ा सा काम मैनेज कर रहा था, साइड में जाकर ऐसे कुछ मैनेज कर रहे हैं, मैंने यहाँ से थोड़ा सा पार्ट को ठीक है, पहले छोटे छोटे पार्ट्स को तो सर आरम्भ कर देते हैं, फ्री टाइम बचता है तो हम लोग आगे बाकी चीज़ों को यहाँ पे करते हैं। हाँ, ईयरिंग बना रहे हैं, उसी को ले का पेंट करना पड़ेगा हमें। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्लिक किया इस पर गए, ठीक है, ये पार्ट मैंने यहाँ से लिया, मूव कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है,
मूव करके हम लोग चाहिए तो मैं मैनेज कर दूँगा आपको, ठीक है। अभी जिस ग्रेडिंग के लिए मैं आपको क्या करने वाला हूँ तो उसमें भी आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन दे दें, ठीक है। पेपर है, पेपर जाके आपको चेहरे करके थोड़ा सा ट्विस्ट कराएंगे ना पेपर, इसको कर दिया मैंने आपको ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता, ठीक है। बेसिक से पेपर से आपको मिल जाएगा, आपको और ज़्यादा करना है तो आप यहाँ पे और भी चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, काम नहीं, ठीक है। बेसिक शेप में बस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। रोटेशन मुझे दे रहा है, रोटेशन देखिए रोटेशन हो रहा है, ऐसा नहीं मुझे कि वाई रोटेशन, ठीक है। यहाँ पर भी नहीं काम कर रहा है, उसमें ज़्यादा अच्छा काम करेगा, तो मैंने कर दिया 90, ठीक है। 90 यहाँ पर करने के बाद यहाँ से थोड़ा सा अरेंज करा भी कम से कम कर सकते, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं गया रोटेशन ऑफिस, ठीक है। यहाँ पर मैं करा था 90, ओके। पोजिशन लेता हूँ मैं यहाँ पे, देन सेट किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ऐसे सेट किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। स्टेशन लोग कर सकते हैं, अंदर से आपको प्रोफेंस अंदर से ट्रैक करके खाना पैसे दिखा सकते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ पार्ट है, ठीक है। सेम चीज़ मैंने यहाँ पे क्या किया, वेयरिंग है धनिया का मैंने क्या कर दिया, डुप्लीकेट और डिफॉर्मेशन पे जाते हैं अपना, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया मेरा मैनेज कर देना, फिर यहाँ पर ये करने के बाद हमें यहाँ पे कुछ और ले देते हैं, फिर मुझे यहाँ पे इसके क्वेश्चन पूछा और एडजस्ट करना पड़ेगा, फिर यहाँ से खरीदा और यहाँ से खरीदा, सॉरी एक्स ऑफ के मैंने इसमें नहीं देखना चाहिए, किसी का पोजिशन में बस यहाँ पर थोड़ा अलग से देखता है क्या, यहाँ से कुछ और एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे गए और क्या कर सकता मैं, यहाँ पे सिंपल जो पार्ट है यहाँ नेक पे को जो लोग चेंज दे सकते हैं, मूल बनाना है, मूल बनाने के लिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपको मगर माया में बहुत ईजी है मून बनाना, यहाँ पे बहुत आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करते हैं देख लो, यहाँ पे तो मैंने क्या किया, रिंग लिया मैंने यहाँ पे, क्लिक किया यहाँ पे, मैं देखता हूँ कि इसको ऑप्शन यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा देखता इसको, थोड़ा सा दूसरा ऑप्शन से मैं आपको लगा देता हूँ, इसको मैंने कर दिया डिलीट, ठीक है। कल को सेव कर लेते हैं एक बार, सेव एज तो, ठीक है। यहाँ पे मैंने कर दिया, अभी मैं क्या करता है फिर यहाँ पे मैंने सिंपल सा बात किया यहाँ पे स्विच, रिंग लिया कंट्रोल एंड, ठीक है। टी प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, ऐसा कुछ कर सकता हूँ यहाँ पे इनिशियलाइज में गया, ठीक है। यहाँ पे मैं चूँकि मैं मैनेज कर रहा हूँ तो 360 है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 180 कर दिया, 180, ठीक है। मैंने कर दिया आपका जो डिवीजन है, डिवीजन को मैंने कर दिया लाइक 4, ठीक है। यहाँ पे ट्विस्ट मिलेगा आपको, ट्विस्ट आपको 45, ठीक है। ये 45 आपको ट्विस्टिंग यहाँ पर दिखा रहा है, यहाँ पर ट्विस्टिंग देख सकते हो आप, यहाँ पे ट्विस्ट ओके डिवाइड है यहाँ पे, हाँ अच्छा ठीक है। यहाँ पर आप ऐसे वीडियोज़ को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, बढ़ा देंगे यहाँ पर उन चीज़ों को हमने ऐसा कुछ मैनेज किया, ठीक है। स्विफ्ट ऐसा कुछ कर सकते हैं हम यहाँ पे, देन यहाँ से मैं काम करना चाहूँ मैं पॉलीमर्स थोड़ा सा ऐसे वीडियोज़ बढ़ा लूँ, क्योंकि हमें कटिंग करनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, और देन मैंने अभी क्या कर दिया पॉलीमर्स, ठीक है। स्विफ्ट यहाँ पे आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, डिवाइड पहले स्मूथ ऑफ करके डिवाइड करना है, ठीक है। स्विफ्ट है, ठीक है। इसके बाद आप असेंबली ऑन कर लेना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने पार्ट ऐड ऑन किया, तो मुझे अभी यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे मैं चाहिए थोड़ा सा कटिंग करने वाला, अभी कटिंग करने के लिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैंने क्लिक किया कंट्रोल स्विफ्ट,
सर कर लिया, ठीक है। यहाँ पे वेट ऑन कर लो, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता तो ये पार्ट कुछ इस टाइप से दिखेंगे, ठीक है। तो मैं ऐसे लगे तो मैं मैनेज कर देता हूँ, क्योंकि अगर मुझे ऐसा कुछ कटिंग करना है, ये अपोजिट हो गया, ठीक है। और यहाँ से मैं कहता हूँ ये है ना, तो टर्न मैनेज, ठीक है। ऑल क्लिक किया मैंने यहाँ पे, ये अपोजिट में चला जाएगा यहाँ पे, ऐसे करके मैनेज कर सकते हो। मैं कौन सा यहाँ पे चाहूँगा, देखो यहाँ से मैं करूँगा तो इक्वल आएगा, इसका एक स्टेप मुझे ऊपर करना है, और ये मैं सोचता है कुछ स्टेप से मैनेज कर पाए तो ऊपर तक लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर थोड़ा लेट हो गए, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ऑल क्लिक किया अपोजिट आने के लिए, ये बार बस ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अभी आप यहाँ पे चाहो तो इसको दोस्तों मैनेज कर सकते हो, आप यहाँ पे ठीक है कैसा आपको क्या काम करना है, आप यहाँ पे थोड़ा सा टेस्टिंग वाइज काम करना चाहो कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन में गया, ठीक है। टेपर यहाँ पे देखो, टेपर अच्छा काम करता था, वेल एंड गुड। यहाँ पे टेप ये मुझे कुछ अगर नहीं चाहिए मुझे, यहाँ पे आप ही देखें पर नहीं, एक एक्सेस पर काम करें यहाँ पे। अब चलो एक एक्सेस पर काम करें, स्लीपर का अच्छा काम नहीं करता, बस सेकंड जो ऑप्शन क्या है यहाँ आ जाए, यहाँ पे मैं उस पर क्लिक टूल गिर दी सेट वाला पार्ट देखिए आपके यहाँ पे, ये ऐसे करके आप कट कर सकते हो, लेकिन उसको पकड़ना जरूरी है यहाँ से, ये आपने ऐसे कुछ कट कर दिया आपने, और यहाँ से आपने क्या किया ये पार्ट कुछ इस तरह से कट कर सकता है। ये देखने की वजह से ये मैं उस पार्ट देखा है अभी, ये कुछ इस तरह से मैं मैनेज कर, ऐसे करके मैं चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। अभी मैंने ऐसे कुछ किया, कंट्रोल डी शिफ्ट एफ, आप ऐसा कुछ करके मैनेज कर सकते हो, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या किया, जैसे सेव कर लो, आप यहाँ पे बस मॉडल है, मैं इसे क्या कर सकता पॉइंट में देख सकता हूँ, क्लिक करो यहाँ पे, मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, लेकिन यहाँ पे कर दिया, ठीक है। मैं अपनी फाइल कर दूँगा, बस यहाँ पर फाइल देखा क्या स्विच यहाँ नहीं है, ठीक है। तो मैं आप क्या कर सकता, मैंने यहाँ पे लेकर लोड किया मैंने, ठीक है, की प्रेस कर दिया तो अभी मुझे यहाँ पे क्या करना, अगर मैं यहाँ पे स्विच करता हूँ, यहाँ पे अपेंड किया मैंने, यहाँ पे यहाँ मिल जाएगा मुझे नोट, ठीक है। लोन यहाँ पे मैंने यहाँ पे ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, लोन पे क्लिक कर दिया मैंने, कंट्रोल है ऑल्टन क्लिक है मैंने, यहाँ पे मूव पे गए, ठीक है। रोटेशन है मूव कर लिया मैंने, एक्स ऑफ किया मैंने, अभी एक्स ऑफ करना है, मतलब एक्स ऑफ किया मैंने आपके, ठीक है। ये पार्ट मैंने ऐसा कुछ और ये प्लेस में कुछ इस टाइप से, ये पार्ट मैंने ऐसा कुछ सही पे गए, ये लिखी हुई आपके कुछ इस टाइप से, ठीक है। लेफ्ट व्यू आपका हल्का सा रोटेशन लेना अपने आप में, ऐसे करके थोड़ा क्वेश्चन को आप मैनेज कर सकते हो। तो छोटे छोटे पार्ट्स है जिसको हम लोग थोड़ा मैनेज करेंगे, चीज़ों को कंट्रोल करेंगे यहाँ पे। देन यहाँ पे क्या डिटेलिंग है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेट किया, यहाँ पे मैं हेयर पे आता हूँ, यहाँ पे मैं ड्यूजन देता हूँ, ठीक है। मैंने थोड़ा सा ड्यूजन दिया, ड्यूजन मैंने सिंपल बी प्रेस किया यहाँ पे, ठीक है। ठीक में थोड़ा मैं मैनेज कर सकता हूँ, अभी मुझे हेयर में बहुत टाइम लगेगा, अगर मैं थोड़ा डिटेल में हो तो मेरे पास चीज़ें हैं बची हुई हैं, ठीक है। चीज़ों को फुलफिल किया जा सकता है, यहाँ क्या बेसिक से मैंने इनपैक्ट देने की कोशिश की, मुझे लगा कि हो जाएगा और चीज़ें तो आसान है और बेटर की जा सकती है, ठीक है। ऐसा कुछ हमने किया है, ठीक है। ये सिर्फ मैंने ऐसा कुछ लिया है, ठीक है। थोड़ा सा अभी मुझे यहाँ पे क्या एक चेंज जैसे दिखाना है, ठीक है। चेंज जैसे यहाँ पे सिंपल सा पार्ट यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, तो कैसे दिखाऊंगा, चलो अभी दिखाता हूँ आपको सिंपल सा पार्ट। अभी मुझे यहाँ पे मैंने मॉडल बनाया, ठीक है। इस मॉडल पर मैं क्या करता, मैं डुप्लीकेट कर दूँगा, ये मॉडल है मेरे पास यहाँ पे। यहाँ पे मैंने क्या किया, डुप्लीकेट मॉडल, ठीक है। डुप्लीकेट करने का बेनिफिट बताता हूँ, सोलो किया मैंने यहाँ पे इसको, जब भी काम करो फाइल को सेव कर लेना, क्योंकि चांसेज होते हैं फाइल प्लस होने के, तो फाइल सेव करके आप काम करो, देन फाइल किया हमने यहाँ पे, ठीक है। देन आपको यहाँ पे जेड रिमेस यूज कर लेना है, एक लोकली जो हमने बनाया उसको सिर्फ रिमेस के लिए हम लोगों ने कॉपी किया है, जेड रिमेस,
है, जेट इन थोड़ा सा टाइम लेगा, आप इसको लाइक रिविजन कम करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, टाइम यूज है। लेकिन एक लो क्वालिटी मैंने आई पे क्यों किया, क्योंकि मुझे इसी पे मॉडल ड्रॉ करना है। क्या मैं ड्रॉ करूँगा तो कैसे ड्रॉ करूँगा कोई देखो, जैसे मैं मान लो मैं एक इस पे का एक दिखाने वाला स्विफ्ट ऐप यहाँ पे, यहाँ देखो तभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, इस पर क्लिक करना आई एम, ठीक है, आई प्रेस करना, यहाँ पे मिलेगा आपको जैसे स्पेयर में ध्यान चाहता हूँ, ठीक है, फुल वाला चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया आई इंसर्ट मैस, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है, पार्ट है ये पार्ट, ठीक है, क्लिक किया मुझे, अभी यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, स्ट्रोक्स है, स्ट्रोक्स में जाना, स्ट्रोक में एक आपको मिलता है यहाँ पे कर्व के अंदर कर्व मोड, ये देखो यहाँ पे ड्रॉ करके देखो, जैसे मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ, देन मैंने यहाँ पे क्या किया, ऐसा कुछ सुनने दिखाया गया, ये सिर्फ आपका सेफ ऐसा आ जाएगा, ठीक है, देन साइज छोटा करो आप यहाँ पे, ठीक है, सोलो करो यहाँ पे, जैसे मुझे यहाँ पे दिखाना है, ये सेफ है, मैं बस यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये पार्ट आपको यहाँ कर, आप ऐसा करके दिखा सकते हो, क्या ये हाई पॉली मॉडल पे नहीं होगा, ये ध्यान रखना है, अगर आप हाई पॉली मॉडल पे जाओगे तो चीज़ इतना बेटर नहीं दिखने वाला, इसलिए मैं इसको लो पॉली मॉडल बनाया, ठीक है, और देन मेरे पास इसका काम हो गया, सोलो कर लिया मैंने, ठीक है, इतना मेरे पास काम होगा, ऊपर से ड्रॉ कर लो कोई दिक्कत नहीं, एडजस्टमेंट करना चाहो ये देखो यहाँ पे अलग से एडजस्टमेंट भी आप दिखा सकते हैं। यहाँ पे अभी यहाँ पे क्या करता हूँ, ग्रुप स्प्लिट कर देता हूँ, ग्रुप स्प्लिट किया यहाँ पे, देखिए मेरे पास मॉडल आ गया यहाँ पे, इस मॉडल की भी जरूरत नहीं है, तो मैंने यहाँ क्या किया, डिलीट कर दिया, ठीक है, सोलो को ऑन कर दिया, ये पार्ट मेरे पास ऐसा कुछ आ गया, ऐसे करके हम थोड़ा डील कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक किया मैंने यहाँ पे, चलो मून को यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर मैंने किया गोल्ड मेडल किया, यहाँ पे कलर पे गए फुल ऑब्जेक्ट, बाकी मैंने यहाँ पे स्विच किया, यहाँ पे स्विच करने के बाद मैंने यहाँ पे ये मेडल दिया, देन यहाँ पे मेरे पास ऐसे कुछ पार्ट आ जाएगा, देन एट देन मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, रिपेयर एंड, ठीक है, चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, और देन आप यहाँ पे रेंडर जाके सेव कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है, ऐसे करके चीज़ों को फुलफिल किया जा सकता है।